हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारूफ सिद्दीकी, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ टॉपिक इज मेथड ऑफ इरिगेशन। लेट्स सी द टॉपिक, लिसन केयरफुली। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, द वे वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉप फील्ड्स डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द टाइप ऑफ क्रॉप। मीन्स खेतों में फसलों को जो पानी डाला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई। और ये डिपेंड इस बात पर करता है कि वहाँ पर कैसी फसल लगी है या वहाँ पर पानी की उपलब्धता क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उन खेतों में सिंचाई करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, ऑल मोड्स ऑफ इरिगेशन इन विच द वाटर इज अलाउड टू रन ओवर द फील्ड फॉल अंडर सरफेस इरिगेशन। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो जो खेती की जाती है, सिंचाई की जाती है, वो सरफेस इरिगेशन के फॉर्म में की जाती है, जिसमें सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को डाला जाता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग दिस, इस काम को करने के लिए बहुत से तरीके हैं। इन द केस ऑफ क्रॉप्स विच डू नॉट नीड टू मच वाटर, द क्रॉप इज प्लांटेड ऑन रिजेस एंड वाटर इज अलाउड टू रन थ्रू फारोज बिटवीन द रिजेस। दिस इज कॉल्ड फारो इरिगेशन। मीन्स जैसे आपने देखा कि सरफेस इरिगेशन में पानी सतह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दी जाती है, तो उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ इरिगेशन है वो है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या करते हैं, हम क्यारियाँ बनाते हैं, ये जैसे आप तरीके से कह सकते हैं मेड़ी, और उन मेड़ी पर हम क्या करते हैं कि पौधों को लगा देते हैं, और उन मेड़ियों के बीच में जो पतली पतली सकरी सकरी नालियाँ होती हैं उनमें पानी बहा दिया जाता है, जिससे उन पौधों तक वो पानी पहुंच जाता है। फॉर क्रॉप्स जैसे कि लाइक राइस, चावल विच नीड अ लॉट ऑफ वाटर, धान को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। द फील्ड इज फ्लडेड विद वाटर बाई मेकिंग बंड्स ऑल अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड बेसिन इरीगेशन। मीन्स जो बेसिन इरीगेशन है, बेसिन इरीगेशन में क्या होता है कि एक बड़ा सा जलकुंड बनाया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे खेत में एक बाल टाइप की स्थिति आ गई हो, तो इस साइड से जो इरिगेशन किया जाता है उसे हम बेसिन इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन सरफेस इरिगेशन थ्रू इवेपोरेशन एंड परकोलेशन। आप देखते होंगे जब सरफेस इरिगेशन में हम करते हैं इरिगेशन का काम, तो उसमें सतह के ऊपर से बहुत सारा पानी हमारा ऐसा होता है जो इवेपोरेट हो जाता है, या तो बहुत सा पानी ऐसा होता है जो परकोलेट छन करके नीचे चला जाता है। सो इसलिए इट इज़ नॉट सूटेड टू एरियाज वेयर वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई, इसलिए जिन जगहों पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है उन जगहों पर हम लोग सरफेस इरिगेशन का यूज़ नहीं करते, बल्कि ऐसी जगहों पर हम लोग ड्रिप इरिगेशन का यूज़ प्रिफर करते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ पाइप्स फिटेड विद स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड इमिटर्स। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होते हैं कि छोटे छोटे ट्यूब्स लगे होते हैं पाइप्स के रूप में। द पाइप्स आर लेड ओवर द अंडर द सॉइल, और उस पाइप्स को क्या किया जाता है, ज़मीन के नीचे भी बिछा दिया जाता है और ज़मीन के ऊपर भी बिछा दिया जाता है। एंड द इमिटर्स रिलीज वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप अराउंड द रूट्स ऑफ द प्लांट, और फिर जो इमिटर्स आपके पाइप में लगे हुए हैं उसी इमिटर्स से बूंद बूंद करके पानी निकलता है, और वो पानी जो होता है पौधे की जड़ों के चारों ओर फैल करके उस पौधे की सिंचाई कर देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ऑफन यूज व्हेन द लैंड इज अनइवन एंड थस नॉट सुटेबल फॉर सरफेस इरिगेशन। मीन्स स्प्रिंकलर इरिगेशन का हम अक्सर यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सरफेस इरिगेशन के लिए प्लेस सुटेबल ना हो।
दिस मेथड इज़ बेटर देन सरफेस इरीगेशन। सरफेस इरीगेशन की कंपेरिजन में स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड बहुत अच्छा होता है, इन दैट लेस वाटर इज़ वेस्टेड, क्योंकि ऐसे मेथड में पानी बहुत ज़्यादा कम खराब होता है, एंड वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली, और पानी जो होता है बहुत ही आसानी के साथ हर कहीं पहुँच जाता है। पाइप्स फिटेड विद स्प्रिंकलर आर लेड ओवर ऑल अलॉन्ग द फील्ड, और इसमें स्प्रिंकलर इरीगेशन में भी पाइप जो होता है वो पूरी ज़मीन पर बिछा दिए जाते हैं। द स्प्रिंकलर्स हैव रोटेटिंग हेड्स, और इसके ऊपर एक नॉब्स लगा होता है जो कि रोटेटेड कंडीशन में होता है, जिस तरीके से आप लोग फाउंटेन देखते होंगे उस तरीके से, विच स्प्रे वाटर ओवर द क्रॉप्स, और ये घूमता हुआ नॉब जो होता है वो पूरी तरीके से खेतों में लगी हुई फसलों को पानी पहुँचा देता है। स्टूडेंट्स, टुडे होमवर्क आप लोगों का ये है कि ये मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो हमने बताए, इसके जितने भी टाइप्स बताए हैं, इन सारे टाइप्स को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। थैंक यू।